हजरत हक जल्ला व आला शानहू व अज़्ज़ा इस्महू व तम्मा बुरहानहू इरशाद फरमाता है, मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अनफुसकुम, के जो भी मुसीबत पहुंचती है ज़मीन में और ना ही तुम्हारी जानों में, इल्ला फी किताब मिन कबल, मगर वो एक ऐसी किताब में लिखी हुई है कि उसके पैदा होने से पहले हमने उसको किताब में रिकॉर्ड किया हुआ है। इन ज़ालिक अलल्लाह यसीर, ये बात अल्लाह के लिए बहुत आसान है। लिकै ला तअसौ अला मा फातकुम, ताकि तुम इस पर अफसोस न करो कि तुमसे क्या क्या छिन गया है या रह गया है। वला तफरखू बिमा आताकुम, और इस पर भी तुम खुश न हो कि जो कुछ उसने तुम्हें दिया है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, अल्लाह तबारक तआला हर मुतकब्बिर और बड़ाई बिकारने वाले को, शेखियां बिकारने वाले को, जटलने मारने वाले को, जिसको बड़ियार कहते हो, अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। लेकिन वो हैं कौन से लोग? अल्लज़ीन यबखलून, शेखियां बुकारने वाला सिर्फ शेखियां बुकारने वाला नहीं, बल्कि जो कंजूस हैं, अल्लज़ीन यबखलून, मालूम है वो कुछ अल्लाह के रास्ते में से हाथ खींच लेते हैं, चार पैसे बचा लेते हैं, उस पर फख्र करते हैं। कहा वो मुख्तालन फखूर किन का नाम है? कहा जो कंजूसी बरतते हैं, वो यअमुरून अन्नास बिलबुख्ल, और लोगों को भी कंजूसी पर आमादा करते हैं। वमन यतवल्ला फइन्नल्लाह हुवल गनीयुल हमीद, और जो आदमी मुंह फेर ले, बेशक अल्लाह की ज़ात पाक बेनियाज भी है, काबिले तारीफ भी है। लकद अरसलना रुसुलना बिलबैनात, और हमने अपने रसूल वाज़े दलायल के साथ भेजे। व अनज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान, हमने उनके साथ किताब भेजी और हमने तराजू भेजा। लियकूमन्नासु बिलक़िस्त, ताकि लोग जो हैं वो इंसाफ पर कायम रहें। व अनज़लनल हदीद फ़ीहि बअसुन शदीद, और हमने उसके अंदर बहुत बड़ा खौफ नाजिल किया है, यानी लोहा जो भेजा है उसके अंदर एक दबदबा, एक जलाल, एक दिफाई कुव्वत का ख़जाना महसूस किया जाता है। व मुनाफ़िउ लिन्नास, और उसमें लोगों के लिए नफ़े भी हैं। वलियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिलग़ैब, ताकि अल्लाह तबारक तआला इस मंज़र को देख ले कि कौन उसकी मदद करता है, ज़ाते बारी की मदद करता है, और उसके रसूलों की मदद करता है बिन देखे। इन्नल्लाहा कवीयुन अज़ीज़, बिला शुबा अल्लाह की ज़ात पाक गालिब है और हिकमत वाला है, ताकत वाला है। वलक़द अरसलना नूहन व इब्राहीमा, और हमने भेजा है नूह अलैहिस्सलाम को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, नूह और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख़ास तौर पर जिक्र किया। बाद में अर्ज़ करता हूँ क्यों। वजअलना फ़ी ज़ुर्रियतिहुम अन्नबुव्वा, और हमने उन दोनों की औलाद में नबुव्वत रखी। और सुम्म कफ़ैना अला आसारिहिम बेरसुलना, हमने उनके बाद यके बाद दीगरे मुसलसल हमने रसूल भेजे। और हमने ईसा इब्ने मरियम
को फौरन बाद भेजा व आतैनाहुल इंजील, और हमने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता फरमाई। वजअलना फी कुलूबिल लज़ीना तबऊहु रअफतन व रहमा, और हमने उन लोगों के दिलों में जिन्होंने उनकी पैरवी की, यानी ईसा अलैहिस्सलाम और बाकी नबी जो आए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से, हमने उनके दिलों में नरमी मेहरबानी और रहमो करम रख दिया। व रहबानियत इब्तदऊहा, और हमने उनके दिलों में वो रहबानियत रख दी कि मा कतबनाहा अलैहिम, जो हमने उन पर लिखी नहीं थी, वो वाजिब नहीं थी, इल्ला इब्तिगा रिदवानिल्लाह, मगर उन्होंने वो इख्तियार की थी अल्लाह ताला के राजी नामे के लिए। लेकिन फमा रऊहा हक्का रियायतिहा, लेकिन उसके बाद सही मानों में उस रहबानियत की पैरवी वो नहीं कर सके, रियायत नहीं कर सके, उसके तमाम उसूलों कवायद जो उन्होंने खुद वजा किए थे उन पर वो पूरे नहीं उतरे, सही मानों में उसकी रियायत ना कर सके। बाद में जब बहस आएगी तो फिर बात ज़्यादा खुल जाएगी। आतैना अल्लज़ीना आमनू मिनहुम अजरहुम, हमने उनमें से जो ईमान लाए थे उनके अजर को पूरा पूरा अदा कर दिया। वकसीरुम मिनहुम फासिकून, और उनमें से बहुत सारे लोग फासिक निकले। आयात तैयबात का तहत लफ्ज़ तर्जमा आपके गोश गुजार हुआ। इसमें अल्लाह ताला ने आगाज की आयत में ये बात इरशाद फरमाई कि जो तुम्हें कोई मुसीबत पेश आती है ज़मीन में या तुम्हारी जानों में, उसके मतलब ये ना समझें कि ऐसे इत्तेफाकन या हादसतन पेश आ गई है, वो इल्मे इलाही में लिखी हुई है। यानी जिस वक्त अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था ना, फरिश्तों ने उस पर एतराज़ किया था, तो उसको बनाने वाला जो बड़ा फसादी होगा, बड़ा खूनरेज होगा, बड़ा जंगजू होगा, इंसानी हकूक को पामाल करेगा, रब्बे करीम ने कहा तुम मुझे खुदा समझने के बाद ये बातें करते हो, तुम सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी जो तुमने लोहे महफूज पर लिखी हुई देखी है उसका जिक्र करके मेरे सामने ये बात उठा रहे हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ क़यामत और क़यामत के बाद जो कुछ होने वाला है, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा इल्म उसके मतलब क्या है। तो तकदीर इल्मे इलाही का नाम है, हुक्मे इलाही का नाम नहीं। जैसा कि मुझे पता चल जाए कि फलां शहर में इस तरह फ्लड आएगा और इतने लोग हलाक हो जाएंगे, अगर उसी तरह फ्लड आए लोग हलाक हो जाएं, मेरे खिलाफ केस नहीं हो सकता, इसलिए कि ये मेरा इल्म है, मेरा आर्डर नहीं है, ना मैंने इसके लिए हालात पैदा किए। इसलिए इस सिलसिले में खुदा को इनक्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, खुदा को मुजरिम नहीं करार दिया जा सकता कि तुमने मुझे इन गलत रास्तों पर लगाया है। वो आली वगैरह ने जो अंग्रेज़ के ज़माने में शेर वगैरह कहे थे, उसको शम्सुल उलमा का खिताब दिया था, हराम है कुछ भी पढ़ा हुआ आदमी था, उसने सिर्फ कारनामा ये किया था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, यानी मुसलमानों के अकीदे को उन्होंने तमाम कौमों के साथ लेवल करके छोड़ दिया, इस वजह से उसको शम्सुल उलमा का खिताब मिला था। दूसरा वाबियों का सरदार था, उसको शेखुल कुल कहते थे, मौलवी नज़ीर हुसैन देलवी, कभी मियां नज़ीर हुसैन देलवी कहते हैं, कभी सैयद नज़ीर हुसैन देलवी कहते हैं, ये काजी सलाउल्लाह अमृतसरी और दाऊद गजनवी, इसका भाई इस्माइल मोहम्मद हुसैन बटालवी,
ये जाटों में से था, बड़ा फाजिल आदमी था। ये कई मरतबा इसने मिर्ज़ा कादियानी से बहस करने के लिए आलात पैदा किए, लेकिन आखिर किसी वजह से ये आमने सामने नहीं आ सका था। उसके बाद ख्वाजा गोलवी आए थे। इसीलिए मिर्ज़ा कादियानी ने जो चिट्ठियाँ वगैरह सद लिखी हैं ना, उसमें इन काजी सनाउल्लाह अमृतसरी का भी वो जिक्र करता है और इसका दाऊद गजनवी का भी जिक्र करता है, इस्माइल गजनवी का भी जिक्र करता है, मोहम्मद हुसैन बटालवी का भी जिक्र करता है। तो ये लोग जो थे ये पैरोकार थे नज़ीर हुसैन देहलवी के। उसको शम्सुल उलमा का खिताब क्यों मिला था कि उसने 1857 की जंग आज़ादी से पहले जब मौलाना फजल खैराबादी ने जहाद को वाजिब करार दिया था, इन्होंने उस वक्त एक किताब लिखी थी जिसमें ये लिखा था कि इस्लाम में जहाद मनसूख हो गया है, हालांकि आले ईमान में से किसी का अकीदा नहीं था। और मौलाना फजल खैराबादी के कहे पर पूरे मुल्क में जंग आज़ादी आगे जंगल की आग की तरह फैल गई थी। तो उसने लिखा था कि जहाद मनसूख हो गया है, ये ला टर्मिनेट हो गया है, अब कोई मुसलमान जहाद करने का पाबंद नहीं। एक उसको उन्होंने शम्सुल उलमा का खिताब दिया था और जागीर भी दी थी। अगर इससे दामन किसी का पाक है तो सिर्फ हमारे मज़हब का। देवबंदियों ने अफगा भी कर्ज़ा वसूल कर लिया था जब उन्होंने कहा अब कोई नया भी नबी आ जाए तो सरकार के ख़त्म नबूवत में फ़र्क नहीं आता। तो नई नबूवत का खाम माल इन्होंने मुहैया किया। इसीलिए उस ज़माने में जिसले मस्जिदों को गिराया जा रहा था, खानकाहों को तोड़ा जा रहा था, मजहबी पेशवा जेलों में ज़िंदगी गुजार रहे थे, लाडले हुसैन शाहब गुलबर्गे वाले गिलानी सादात में से थे, उनको फांसी दिया गया था, मौला फजल खैराबादी रहमतुल्लाह को जज़ायर अंडमान की सज़ा दी गई थी, इसको ज़िंदगी भर कैद कहते थे ना, उसी का नाम था काला पानी, उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ कहते हैं। तो आले हक को ये सज़ाएँ मिल रही थी, आले बातल ने उनसे पैसे लिए, उनके कहे के मुताबिक फतवे दिए। और आशिक इलाही मेरठी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है तज़किरतुर रशीद, 1857 की जंग आज़ादी का नंबर निकाल लें, देखें उसमें कासिम ननौतवी जो बानी देवबंद थे ये भी अंग्रेज़ की तरफ से होके मुसलमानों से लड़े, और जो हाफिज़ ज़ामन साहब थे जो इनके सूफ़ी थे और पीर थे वो भी अंग्रेज़ की तरफ से लड़े, और हाजी इमदादुल्ला साहब मौजर मक्की के तमाम देवबंदी हजरात उनके मुरीद हैं, ये भी उनकी तरफ से लड़े। और रशीद अहमद गंगोई जो कि दूसरे शेख उल हदीस थे देवबंद के, वो भी उनकी तरफ से लड़े। तो पैसे लिए लड़े, खुदा की रजा के लिए नहीं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह को नवाब अफनान पारा ने 1,00,000 रुपये का चेक भेजा कि आप मेरी शान में एक कसीदा लिखें तो ये आप हुंडी कैश करा लें। जो चेक है ना उसको अंग्रेज़ी में उर्दू में हुंडी कहते हैं। तो आला हज़रत ने उसके जवाब में लिखा था करूँ मदहे अहले दवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं। ये आला हज़रत को चेक भेजा या चेक भेजने का वादा किया। और अल्लामा इकबाल मरहूम को भी इसी तरह उन्होंने पेशकश की, 1,00,000 रुपये की हुंडी उन्हें भी भेजी। उस वक्त का तरीका वारदात ये था कि बराह रास्त मौलवी लोग या इस तरह के राशि गवर्नमेंट के हाथ से बराह रास्त नहीं लेते थे, इसलिए कि बदनाम हो जाते थे। उस वक्त के नवाबों को वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे। तो अल्लामा इकबाल मरहूम ने कहा था मन कुजा नगमा कुजा, शेर व सुखन बहाना सुए कतार मीक शमनाका बेमुहारा, कहाँ मैं और कहाँ शेर शायरी, बूटा भी शायर और मैं भी शायर, मैं इंग्लैंड रिटर्न होकर कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ होकर जर्मनी का डॉक्टरेट किया हुआ है मैंने,
इसके बावजूद मैं शायरी करूँ, मैंने देखा है कि मुसलमानों के कान जो हैं वो शेर व शायरी के आदि हो गए हैं। जिससे ऊँट सुस्त पड़ जाता है ना, तो ऊँट रखने वाले हुदी खान को कहते हैं, कानों में उंगली डाल के वो हुदी पड़े, जिसको पंजाबी में कहते हैं सद बोलना। तो जिस वो ऊँट के कान में वो हुदी की आवाज़ पहुँचती है, वो तेज चलने लगता है। जिस पर शादी मरहूम ने कहा, न बीनी शुतर बर हुदाए अरब के चूनश बरक्स अंदर आरत तरब। अगर शुतर रा अगर शोरे अरब सरस्त, अगर आदमी रा न बाशद खरस्त। वो कहते हो नहीं देखते हो कि ये जो मौसीकी की लय है इसमें भी एक लज्जत है, इसमें भी एक मस्ती है। जब हुदी पड़ी जाए तो उस ऊँट फाका भी हो, मस्ती में आकर तेज तेज चलता है। अगर ऊँट को ये नगमा अपील करता है, आदमी को ये नगमा अपील न करे तो वो गधा है। अल्लामा मरहूम ने कहा, लोग आदि हो गए हैं इस उदी के, इसलिए मैं शेरो सुखन में बात करता हूँ, नहीं तो ये बात करने का मेरा मिजाज नहीं। मन कुजा नगमा कुजा, शेरो सुखन बहाना सुए कतार मी कशम नाका बेमुहर। तो अल्लाह ने कहा, ये जो कुछ कायनात में होता है ये हमारे पास रिकॉर्डेड है, हमारा फैसला नहीं है, हमारा इल्म है। ये इसका मकसद है ताकि तुम जो तुमसे रह गया है, जो चीज़ तुमसे खो गई है, उस पर इजहार अफसोस न करो, और जो चीज़ अल्लाह ताला ने तुम्हें दे दी है उस पर फ़र्द का इजहार न करो। यानी मौला करीम के इल्म में उसका वजूद पहले से मौजूद है। अल्लाह तबारक तआला हर कंजूस और फ़ख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। आगे चूँकि लफ्ज़ मुश्तरक थे, इसके कई कई माना होते हैं। कुरान की बोली में जिनको मुख्ताल कहा गया है, फ़खूर कहा गया है, वो अल्लज़ीन यबखलून, जो कंजूसी करते हैं, वो यामुरून अन्नास बिलबुख्ल, और लोगों को भी कंजूसी की दावत देते हैं। हमारे नज़दीक मुतकब्बिर और फ़ख्र करने वाले लोग वो हैं। अल्लाह करीम फरमाते हैं, जो इन बातों से फिसल जाए, जो अल्लाह ने बताई हैं, अल्लाह की तालीमात से मुंह मोड़ ले, तो अल्लाह तो बेनियाज है, काबिले तारीफ है। बेनियाज वही माना कि तुम्हारी तारीफ और तुम्हारी इताअत और फरमान बरदारी का वो मोहताज नहीं है। फिर ये कि तुम अगर बिगड़ जाओगे तो उसको बुरा कहोगे, का कायनात का पत्ता पत्ता जर्रा जर्रा हर गया एक अर जमीर ओयद वादा हुला शरीक लहू गोयद। हर पत्ती पंखड़ी जो ज़मीन से उगती है ना, वो अपनी ज़ुबान में अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान करती है। व इम मिन शायन फिल अर्द वला फिस समाए इल्ला युसब्बिहु बिहम्दे। ज़मीनों आसमानों में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उसका जिक्र न करती हो। लकद अरसलना रुसुलना बिलबैनात, हमने दलीलों के साथ सबूतों के साथ नबियों को रसूलों को भेजा। जिसका मकसद यह है, कोई भी नबी या रसूल ऐसा नहीं जिससे मौजज़ा मांगा गया हो वो कहे मौजज़ा में नहीं दिखा सकता। क्योंकि हमारी अकायद की किताबों ने लिखा है, खुदाई का झूठा दावा करे तो करिश्मे और शोभ दे दिखा सकता है। जैसा कि दज्जाल दुनिया में आएगा तो उस वक्त वो लोगों के सामने खुदाई का दावा करेगा, लोग उसे कहेंगे बारिश बरसाओ बरसाएगा, वो किसी मुर्दे को ज़िंदा करना चाहेगा ज़िंदा करेगा, किसी को मारना चाहेगा मार लेगा। तो कहे ये तो तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है, वो जिंदे भी करता है वो मारता भी है, मेरे कहे पे बारिश भी बरसती है।
उस वक्त उनसे कहा, उनसे आले ईमान और आले इल्म कहेंगे कि तुम एक मरतबा रसूल होने का दावा करके फिर इनमें से कोई बात दिखाओ। खुदाई का झूठा दावा करे तो करिश्मे दिखा सकता है, लेकिन रसूल होने का झूठा दावा करे कोई मौजज़ा नहीं दिखा सकता। इसका नाम है इहानत। ये जो खिलाफ आदत चीज़ें ज़ाहिर होती हैं उनमें से ज़ाते बारी से सादिर हो, यानी हमेशा बीवी और मियाँ से बच्चा पैदा होता है, अगर मियाँ के बगैर बच्चा पैदा कर दे तो उसकी कुदरत है, ये खुदा के साथ ख़ास है। कोई चीज़ किसी चीज़ का मटेरियल ना हो, चीज़ को बना दे, जैसा सालेह अलैहि सलाम की ऊँटनी पत्थर में से निकाली, लेकिन जिस ऊँटनी को निकाला उसका मादा वहाँ का था नहीं। नबियों के मौजज़े में रब की कुदरत में ये बड़ा बुनियादी फ़र्क है। ये इल्मे अकीदा का मसला, इसको समझो कि मौजज़ा नबी का होता है ना, उसका कोई ना कोई मटेरियल मौजूद होता है। उस दरख्तों का काद दौड़ो दौड़े, लेकिन दरख्तों का वजूद तो मौजूद था। कि भेड़िए को कहा कलमा पढ़ो, उसने कलमा पढ़ा, लेकिन भेड़िए का मटेरियल तो मौजूद था। और पहाड़ को कहा नाचो, नाचते को कहा रुक जाओ, लेकिन उसका मादा तो मौजूद था। मादे के बगैर किसी चीज़ को जाहिर कर देना ये अल्लाह ताला की कुदरत है, ये नबियों के मौजज़े से ताल्लुक़ नहीं रखता। बड़ी कीमती किस्म की बात है ये। जो लोग हमारी मजलिसों में आते हो, ये मेरी तकरीरें बाद में लगा के उसको बार बार सुना करो, ताकि आपके जहन में बैठ जाए, आइंदा आप लोगों से भी लोग हदायत हासिल करें। लेकिन अगर रसालत का झूठा दावा करे तो कभी मौजज़ा नहीं दिखा सकता। पहली बात है कुदरत इलाही, दूसरा नबी या रसूल का मौजज़ा, और तीसरा है किसी मुसलमान की मऊनत। किसी को दर्द है सर का, उसको दम के ठीक हो गया। आँख का दर्द है, उसे दम किया तो ठीक हो गया। किसी को पेट का दर्द है, दम किया ठीक हो गया। किसी को सांप ने काटा तो दम किया ठीक हो गया, बिच्छू ने काटा दम किया, इसका नाम है मऊनत। लेकिन वो करता किस तरह है, वो कहते हैं मेरा ये अकीदा है कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, उसके सारे रसूल सच्चे हैं, उनमें से बिलखसूस जनाब मोहम्मद रसूलल्लाह सारे नबियों रसूलों के सरदार हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा बरहक हैं, सरकार की सारी आले बैत सरकार का जुज्व बदन है, और जितने औलिया अल्लाह उनको भी मानता हूँ। जिस वक्त अपना ताल्लुक इस डिपार्टमेंट के साथ जाहिर करे, उस वक्त उसकी कोई खिलाफ आदत अगर चीज़ जाहिर हो तो ज़्यादा संगीन हो तो वो करामत कहलाती। मतलब औलाद को अल्लाह ताला औलाद अता फरमा दे, ये करामत है। और अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है दम करने से ठीक हो जाए, ये मऊनत है। लेकिन अगर इसी तरह का कोई काम करके दिखाए, बिच्छू का दम करे, सांप का दम करे, तो ये ना जाहिर करे कि मैं हुज़ूर का मानने वाला हूँ, अहले बैत का मानने वाला हूँ, सहाबा को मानने वाला हूँ, औलिया अल्लाह को मानने वाला हूँ, कोई नमाज रोज़ा हज ज़कात ना करता हो, इसका नाम है इस्तिदराज। यानी गलत वज़ाइफ किए, मेहनत मशक्क़त की, चिल्ले काटे, उससे कोई चीज़ सामने आ गई है, इसका नाम है इस्तिदराज। और एक है इहानत। इहानत इस बात का नाम है कि जो नबूवत का झूठा दावा करे, जो काम करना चाहे उसका उलट हो जाएगा। जैसा सरकार के सामने ये मसला रखा गया, या रसूल अल्लाह ये जो कुआं है इसका पानी खारी है, पीने से पेट ख़राब हो जाता है। सरकार ने अपना लुआबे दान उस कुएं में फेंका, एक तो कुएं का पानी ऊपर उभर आया, दूसरा पानी मीठा। मुसैल मतलब गजाब से कहा गया कि तुम अगर अपने आप को समझते हो नबी और रसूल हो, ये पानी जो है ये खारी है, इसको मीठा कर दो। उसने थूका,
तो फिर निकाल के पीने वाले ने कहा ये तो पानी नहीं है, तो पेशाब है, बू भी पेशाब की तरह है, और जायका आ गया, उन्हें पेशाब का चखा हुआ नहीं था। अंदाजे से कहते हैं कि ये पेशाब है। तो इसका नाम है इहानत। या उससे कहा गया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल थे, वो मुकम्मल नाबीने को और मादरजाद नाबीने को बीना कर देते थे। ये आदमी है एक आंख से काना है, तो जो उसकी आंख कानी है वो ठीक कर दो। उन्हें जब फूंक मारी तो वो ठीक होने की बजाय जो ठीक थी वो भी जाती रही। इसका नाम है इहानत। ये छह किस्म की चीज़ें हैं जो खिलाफ़ आदत पाई जाती हैं। तो अल्लाह करीम फरमाते हैं हमने सारे जितने भी रसूल हमने भेजे हैं उनको दलाइल दिए हैं बात को वाज़े करने के लिए कि ये सचमुच सच्चा है। अल्लाह ताला भेजने के वक्त इससे सरफराज करता है उनको। मसलन जिस मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई रब से, तो रब ने एक लाठी दी, एक यदे बैजा दिया, फरमाया फजाने का बुरहानान, ये दो दलीलें आपको दे रहे हैं जो असल मुद्दा को वाजे करती हैं। तो वो दो दलीलें यदे बैजा, क्योंकि उस वक्त के लिहाज से इतने बगल में हाथ डालो इतने निकालो, उसके अंदर रोशनी की कोई कैफियत मिलना ये आदत में मुमकिन नहीं था। तू जब बगल में हाथ डालेगा तो हाथ निकालेगा। इस पर सूफिया ने बड़ी कीमती मालूमात दी हैं। वो कहते हैं कि दाना हाथ बाई बगल में डालो, इसका मतलब कल मुआजे कल पर तेरा हाथ जाना चाहिए। इसका मतलब क्या, अपने मन में डूब कर पाचा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। वो एक सिकंदर शाह साहब थे, टैक्स लेके रहने वाले, मजूब दरवेश थे, सादात में से थे, पाखरी सैयद उनको कहते हैं। आजकल तो उनमें सुन्नी को इक्का दुक्का है, बाकी सारे शिया हैं। लेकिन ये बात आप याद रखें, सुन्नियत के बगैर वलायत कभी नहीं मिलेगी। आले सुन्नत का अकीदा वलायत की बुनियाद है। हमने अपने हर हालत में, हर आन में, हर शान में हजारों लोग बोल भी हमने देखे हैं जिनको आले सुन्नत के अकायद का पता ही नहीं कि किस किताब में लिखे हुए हैं, ना वो किताबें पढ़ी हुई हैं ना किताब का मुताला किया हुआ। कई लोग मुफ्ती मुफ्ती कहलाते हैं लेकिन वो किताबें आज तक उन्होंने देखी ही नहीं है। ये बड़ी मुश्किल ठहरती। सुन्नी मजहब जो है औलिया अल्लाह का मजहब है, उसके बगैर वली नहीं बनता। तो इस तरह अपने महाजे कल पर हाथ डालने से मतलब यह है वो नूर तेरे अपने अंदर मौजूद है। उसके वो सिकंदर शाह साहब से लोग कहते सिकंदर शाह साहब दुआ फरमाएं, तो वो मजूब आदमी थे, मजूबाना जुबान बोलते थे, कहते सिकंदर ते कंजरी है तो तू आप कलंदर हैं, आटा ते जंदर सब तेरे अपने अंदर है। फकीर के रमजी गुफ्तगु होती थी, माने तू भी इंसान है, इंसानी सिफात मौला ने तुझे भी दी हैं, तेरे पहलू में भी एक रोशन दिल है, सिर्फ उसके ऊपर गुबार पड़ा हुआ है। जिक्र इलाही के जरिए से लिकुल शैन सकालतन सकालतन करबे जिक्रुल्ला, हर चीज़ की कोई ना कोई पालिश होती है, और दिल की पालिश वो जिक्र इलाही है। जिक्र इलाही करके देख, तू आप कलंदर है, आटा दे जंदर तेरे अपने अंदर है। तो यहाँ ये बात बताना मुराद है कि अल्लाह के साथ ताल्लुक रखने वाले रसूल हैं, रसूलों से ताल्लुक रखने वाले औलिया अल्लाह हैं, तो उनको रब की अनायत से मौजज़ात मिलते हैं, फिर वलियों को नबियों की बरकत से करामात मिलती हैं। लेकिन सच्चाई का क्या सबूत रह जाएगा अगर किसी के पास कुछ भी ना हो तो? जिस वक्त अच्छे लोगों को इस तरह के मसाइल पेश आते रहे
तो उस वक्त लोग उनको मजबूर करते रहे, जैसा ख्वाजा गोलवी से कहा कि अरबी में इतनी इबारतें लिखो। उस मुनाजरे के वक्त आपने फरमाया कि जितनी शरायत तू लगाता है मैं इन पर पूरा उतरने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं तुम्हें कहता हूँ कलम और दवात को सामने रख दे, कागज़ को सामने रख दे, मैं कहूँगा अगर मैं सच्चा हूँ तो उठ के मेरी सच्चाई लिख, तू कहेगा कि अगर मैं सच्चा हूँ तो उठ के मेरी सच्चाई लिख, अगर तुझे झूठा लिख दे तो फिर इस पर आकर के आखिरी वो सरेंडर हुआ था। तो लोगों ने पूछा था हजरत आपने इतनी बड़ी जुर्रत क्यों की है, आपने पटवारी की जुबान में एक उसका जवाब दिया था, का कट्टी किले में जोर पर रिंगनी, यानी पीछे जिधर मेरा ताल्लुक है ना जिस रसूल से सारे सालतों के मोजज़ात उनके पास हैं, सारे औलिया अल्लाह की करामात का खजाना हुजूर की ज़ात है। तो आग के पास बैठने वाला गर्म नहीं भी होना चाहता गर्मी उसको आ जाती है, तो नबियों वलियों के पास बैठने वाला बरकत नहीं भी हासिल करना चाहता मिल जाती है बरकत। अल्लाह करवा उनके साथ किताब नाजिल फरमाई, ये लफ्ज़ किताब से यहाँ मुराद है वही इलाही, क्योंकि कुल रसूलों की तादाद जो है वो 313 है मोतबर रवायत के मुताबिक। एक रवायत मशहूर है कि 360 रसूल हैं, और जो मोतबर समझी गई है इल्मे अकीदा में वो 313 शरा अकायद ने 313 वाली रवायत को मोतबर माना है। वो 313 अगर रसूल आए हों तो फिर हर एक के साथ किताब आई हो तो 313 होनी चाहिए, 313 किसी के नज़दीक भी किताबें नहीं हैं। कुरान, तौरात, इंजील, जबूर, ये चार मशहूर किताबें आसमानी, और कुछ सहीफे आए मूसा अलैहिस्सलाम पर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पर, लेकिन सहीफा जो है अंग्रेज़ी में उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है महमूद, महमूद MAMOOTH महमूद, लेकिन ये जो आम अंग्रेज़ी है उसमें ये इसकी डिफ्रेंशिएशन नहीं है। तो फिर अब रसूलों की तादाद ज़्यादा हो, किताबों की तादाद कम हो, तो फिर मुताबकत किस तरह होगी कि जुज़ कह के कुल मुराद ले लेना ये मजाज़े मुरसल कहलाता है, ज़र्फ मजरूफ कह के ज़र्फ़ मुराद ले लेना, ज़र्फ़ कह के मजरूफ मुराद ले लेना। जैसा आप लोग तो उम्र के छोटे हैं, गालिबन 1972 में ये आपकी नहर खोदी गई थी जो आपके पास से गुजरती है, तो जब खोद रहे होंगे तो लोग पूछते होंगे क्या खोद रहे हो, वो कहेंगे नहर, जो पानी उसमें चला तो लोग उससे पूछते होंगे ये क्या चल रहा है, कहा ये नहर चल रही है। कभी नहर कह के पानी मुराद ले रहा, पानी कह के नहर मुराद ले, ये दोनों उर्फ में मौजूद है। इसी तरीके से वही किताब का एक हिस्सा है, वही कह के किताब मुराद ले रहे हैं, किताब कह के वही मुराद, ये वो मिजाज मुरसल। ये जो इल्म के दो जुमले बोले इस इल्म का नाम है इल्म बयान, का उनके साथ किताब भी नाजिल फरमाई है और मीज़ान नबी के पास का जो रसूल के पास निज़ाम अदल होता है वो ऐसा तराजू होता है, बेटा हो या बाप हो, दोस्त हो या दुश्मन हो, जो इंसाफ के कुटहरे में खड़ा है उसको पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। जैसा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक मुनाफिक ने आके केस पेश किया और एक मुसलमान ने, इसे नहर आ रही थी पानी की, मदीना शरीफ जो है ये इरीगेटेड ज़मीन है, नहरी ज़मीन है, सरसब्ज़ शादाब है। तो किस्सा ये था, ऊपर एक आदमी की जायदाद थी जहाँ से पहले पानी गुजरता था,
वो पहले इस्तेमाल करता था, ये उसके बदल दावा ऐसे दायर किया जो अपने आप को मुसलमान कहता था कि ये इसका हक नहीं है, ये मुझे दिया जाए क्योंकि मेरी ज़मीन ज़्यादा है। सरकार ने वो फैसला गैर मुस्लिम के हक में कर दिया, तो जो मुसलमान होने का दावेदार था उसने कहा कि मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। चल के जनाब उमर को बताते हैं कि जिसके हक में फैसला हुआ ये यहूदी है, वो जू ही यहूदी का नाम सुनते जाएंगे जलाल में आ जाएंगे, इसका कुछ न कुछ बिगाड़ देंगे। आपका दरवाज़ा खटखटाया, आप बाहर आए, पूछा क्या किस्सा है। उस मुनाफिक ने कहा मेरा और इसका ज़मीन का हिस्सा है, ये यहूदी है। आपने फरमाया वो फैसला किसको मंजूर नहीं। तो उस वक्त वो मुनाफिक के मतलब दूसरे यहूदी ने कहा कि इसको मंजूर नहीं, मुझे तो मंजूर है। उन्होंने कहा मकाना को मा, इसमें फेल है इसमें मकान लेकिन फेल के माना है मीर को मा अला मकान को मा, अपनी भी जगह जहाँ हो या इंतज़ार करो। अंदर गए, तलवार उतारी, उसकी धार को चेक किया, बाहर आए ना आओ देखा ना ताओ देखा, उन्हें गर्दन उतार के परे मारी उसकी। लेकिन पहले फैसला उस जिसने एतराज़ किया उसके हक में नहीं, वो यहूदी के हक में हुआ। अब मीज़ान का ये मतलब है वो मुसलमान कहलाता था, दूसरा उसके जो सेकंड पार्टी थी वो यहूदी था। यहूदी इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन सरकार ने निज़ाम अदालत में उस यहूदी के हकूक महफूज किया, इसलिए कि रब कहता है मैंने नबियों के साथ मीज़ान भेजा है। का मीज़ान और किताब इसलिए भेजे ताकि लोग इंसाफ पर कायम रहें। विरासत का मामला है, जैसा विरासत में उसके हिस्से हैं उसे दिया जाएगा, दोस्त और दुश्मन की तमीज़ नहीं की जाएगी, अपने बेगाने का फ़र्क नहीं देखा जाएगा, उसके इस्तेहकाक की बुनियाद पर उसको हिस्सा दिया जाएगा। अब कुरान कहता है हमने उसके अंदर हमने लोहा नाजिल किया, वह अनजल नल हदीद फी है बासन शदीद, हमने लोहा भी नाजिल किया। नाजिल किया मतलब ऐसा मुमकिन है कि लोहे का ख़जाना रब की बारगाह में आसमान पर ही हो, उसको भेजा हो, या मुजाजन का हो जैसे फिर समाए रिज्क हुकुम, आसमानों के अंदर तुम्हारा रिज्क है, ज़ाहिरी हम उसको काश्त करते हैं ज़मीन में, रब कहता है मैं आसमान से भेजता हूँ। इस हिकमत को रब जानता है ये किस तरह है। मुनाफ़े लिन्नास, उस लोहे में लोगों के लिए नफ़े भी हैं, कई किस्म के तरह तरह के नफ़े भी हैं। और उसका एक मतलब ये भी है ताकि अल्लाह तबारक तआला देख ले, यहाँ इल्म बमाने यंजुर के हैं, ताकि अल्लाह देख ले, क्योंकि बाद मोतज़ला ने ये माना किए हैं कि जब तक कोई काम होता नहीं था रब को भी पता नहीं होता था। ये मौलवी गुलाम खान का जो उस्ताद था ना जिसका नाम था हुसैन अली वहाँ पचरी, उसने बुलगतुल हैरान के अंदर ये बात लिखी थी कि जब तक कोई काम हो नहीं चुकता था रब को भी पता नहीं होता था। हजूर के इल्म गैब की नफ़ी करते करते रब के इल्म गैब की भी नफ़ी की है। वो किताब मेरे पास यहाँ मौजूद है, तो उसका नाम है बुलगतुल हैरान। तो इसलिए आले इल्म ने बहुत सारी जगहों में इल्म को बमाने देखने के, देखने को बमाने इल्म के लिए जिक्र किया है, यहाँ इल्म बमाने नज़र के है, ताकि अल्लाह देख ले के कौन उसकी और उसके रसूलों की गैब के साथ मदद करता है। यानी रसूल तो नज़र आ रहा है, फिर गैब के साथ उसकी मदद किससे करता है। का नबी बताता है अज़ाब कब्र इस तरह होगा, बरज़ख़ का अज़ाब इस तरह होगा, मीज़ान का हिसाब इस तरह होगा, क़यामत का दिन इस तरह तकलीफ़देह होगा, फिर हिसाब किताब के बाद जांच पड़ताल के बाद जब कोई बंदा सही निकलेगा तो उसको जन्नत में भेजा जाएगा,
ना उसने दोजख देखा है, ना जन्नत देखा है, ना पुरसरात देखा है, ना बरजख देखा है। अल्लाह को देखे बगैर नबी के कहे पर के नबी कहता है अल्लाह एक है, उसने देखा हुआ नहीं है। तो गैब के साथ ईमान ला के नबी के साथ हो जाता है, उसके मिशन की मदद करता है। ये माना अल्लाह तबारक तआला बड़ा ताकतवर है और बड़ा गालिब है। इस जगह शुबा होता था ये उसकी कोई मदद क्यों करे, वो खुद नहीं अपनी मदद कर सकता। रब कहता है तुम्हारी आजमाइश किस तरह हो, ये रब की मोहताजी की दलील नहीं है, ये तुम्हारी सच्चाई का सबूत मांगना मुराद है, ये तुम्हारी सच्चाई का इम्तिहान है। आगे अल्लाह ने फरमाया वलकद अरसलना नूहम व इब्राहिम, हमने नूह अलैहिस्सलाम को और जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा, वजअलना फी ज़ुर्रियतिहिमा, और उन दोनों की औलाद में क्या रखी, अन्नबुव्वा वल किताब, नबूवत भी रखी और किताब भी रखी। या इसकी इल्लत क्या है, दोनों बड़ी शान वाले पैगंबर। पहले जो आले इल्म की एक तहकीक है कि पहले रसूल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे या पहले रसूल नूह अलैहिस्सलाम है, का रसूल वो भी थे, रसूल ये भी थे, लेकिन उनकी रसालत वो किसी कौम की तरफ नहीं आए थे, वो अकेले ही आए थे, औलाद उन्होंने खुद पैदा की है, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम पब्लिक की तरफ आए थे। इस एतबार से इन्होंने कहा पहले रसूल ये, उनकी तावील ये है। उन दोनों की औलाद में नबूवत रखी, हर के उमे के औलाद में तो नहीं रखी, हर के तरह मेतर के पुश्त में तो नहीं रखी, दो रसूलों जो बड़ी शान वाले रसूल हैं उनकी औलाद में हमने नबूवत रखी। वो जिनकी जिनको नबूवत दी है उनकी औलाद में से जान के, तो फिर हमने क्या किया, सुम्मा कफ़ैना अला आसारे हिम बिरसुलिना, फिर हमने अपने रसूल उनके पै ब पै कदम ब कदम यके बाद दीगरे लगातार भेजे, वह कफ़ैना बे ईसा बिन मरियम, हमने ईसा अलैहिस्सलाम को जो कि मरियम के बेटे हैं उनके बाद भेजा, वह आतैनाहुल इंजील, और हमने उनको इंजील दी। इस पर इमादुद्दीन इब्ने कसीर ने एक रवायत ये भी लिखी है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिब्रील के बगैर माँ के पेट में उनको इंजील अता फरमाई। पहली वही तो ऐलान नबूवत के बाद आएगी ना, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, जिस तारीख वो गवारे में पड़े हुए हैं तो कौम ने पूछा या मरियमो लकद जेते शय अनफरिया, ये बड़ा उल्टा सीधा काम करके आ गई हो, तेरा बाप भी एक नेक आदमी था, तेरी माँ भी एक सालखा थी, बगैर खामिद के बच्चा पैदा कर लिया है। फ़अशारत इलैह, मई सबा ने उनकी तरफ इशारा किया, उनका कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल मादी सबिया, हम उससे किस तरह बातें करें जो गहवारे में पड़ा हुआ बच्चा है। ये जुमला बोल के भी वो फारिग होते ही थे कि फौरन ईसा समझ قال انی عبداللہ, उनका मैं अल्लाह का बंदा हूँ, वह आतानी अल किताबा वजअलनी नबिया, अभी किताब मिली नहीं लेकिन नबी को पता है मिलने वाली है, वो इल्म के तौर पर दी, किताब बतौर किताब के बाद में दी है। तो फिर इसका नतीजा क्या निकला, एक तो ये बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। साहिब तफसीर नसफ़ी ने एक मुकदमे का जिक्र किया तफसीर नसफ़ी में कि जिस वक्त अब्बासियों ने बार बार ये सुना कि ये आइमा आले बैत के जो लोग हैं ये आले रसूल लिखते हैं, उस वक्त वो कहेंगे कहने लगे कि आले बैत नसब में से हम भी हैं,
इसलिए ये तुम्हारी सिफत मुख्तसा नहीं है, जिसको सिफत मुमय्यज़ा भी कह सकते हैं, जो बाकियों से तुम्हें जुदा करती है ये वो सिफत नहीं है। इसलिए कि सिफत हम तुम्हारे पार्टनर हैं, जो सरकार के पगड़ी के जद्दी रिश्तेदार हैं उनके भी लिए लफ्ज़ आल इस्तेमाल होता है, मगर ये बात याद रखनी होगी कि लफ्ज़ आलुल बैत ये कुल्ली मुतवाती नहीं है। कुल्ली मुतवाती ना होने के क्या मतलब, जिस वक्त एक पाउंड रखा है तो ये एक पाउंड है, इसी तरह का दूसरा, ऐसे सौ रखे तो सौ की वैल्यू पाउंड पाउंड ही है, ये कुल्ली मुतवाती है, समझो। तो अगर एक पाउंड हॉलैंड का है, एक पाकिस्तान का है, एक किसी और मुल्क का है, इनको पाउंड के नाम से रखें, इसकी वैल्यू और हो, उसकी वैल्यू और हो, उसको कहते हैं ये कुल्ली मुशक्किक है। बात अच्छी तरह समझ आनी चाहिए। उनका आल वो भी हैं, आल बैत ये भी हैं, लेकिन फ़र्क यह है वो आल बैत नसब हैं, इसमें तशकीक है, ये और तरह की आल बैत है, वो और तरह की आल बैत है, इनके हकूक और तरह के हैं। सरकार की जो आल बैत है ना, उसमें एक है आल बैत सबब, निकाह सरकार से हुआ, इसको कहते हैं आल बैत सबब, इसकी हैसियत और है। एक घर में खिदमत गुजार खिदमत करते हैं सलमान फारसी वासला बिन अल असका, ये घर में खिदमत करने सरकार ने इनको भी कहा ये हमारी आले बैत है, लेकिन ये आले बैत खिदमत हैं। और जो पहली आले बैत सबब बताई है, उनको कुरान ने कहा या निसा अन नबी लस्तुन का अखदिम मिन निसा, ऐ नबी की बीवियों तुम्हारी जैसी कोई भी औरत नहीं हो सकती, तुम अपनी नौयत की अकेली खातून हो, और अगर तुम नेकी करोगे अजर दुगना होगा। ये इनकी डिस्टिंक्शन है, ये इनका इम्तियाज है, इसमें उम्मत के बाकी लोग शरीक नहीं। का नबी के साथ निकाह होने की वजह से एक नमाज पढ़ोगी तो दो का सवाब मिलेगा, एक रकत पढ़ोगी दो रकतों का, सौ रकत पढ़ गई तो 200 रकत का। ये इम्तियाज आले बैत सबब में है, जो आले बैत खिदमत हैं उनके लिए ये सहूलत है। सरकार उनको अपने घर वाला समझते हैं कि ये हमारे घर के बंदे हैं, हमारे साथ बैठते उठते हैं, बर्तन साफ करते हैं, कपड़े साफ करके देते हैं, जूते साफ करके देते हैं, सौदा खरीदने उनको भेजते हैं, जाके लेके आ जाते हैं, हमें इन पर बड़ा एतमाद है, कोई काम इनके सुपुर्द करें उम्मीद करते हैं कि ईमानदारी से करेंगे, इसलिए ये हमारे घर वाले हैं। दूसरा है आले बैत, आले बैत नसब, आले बैत नसब उनको कहते हैं सके चचा के बेटे, इतने जद्दी जिनको विरासत में हिस्सा पहुंचता है वो हैं आले बैत नसब, वो दो चीज़ों में शरीक हैं। ये मेरी बातें याद रखना, रोज़ाना हर तरह की बात नहीं आती, किसी ख़ास ख़ास मौके पर कोई बात आ जाती है करनी पड़ती है। तो ये जो मेरे आले बैत नसब हैं दो चीज़ों में शरीक हैं, एक ये कि इनको सदकात वाजिबा इनके लिए मना है, क्योंकि मेरे ख़ानदान के लोग होने की वजह से एक तरह से पाक तस्लीम होते हैं, तो इनको सदक़े देना अस्सदक़ा तो इन्नमा ही औसाखुन्नास, सदक़ात जो हैं ये लोगों की मैल कुचैल हैं, इसलिए इनको ये नहीं देने चाहिए। दूसरा, जब कोई जंग हो, माल गनीमत असर हो, उसका पांचवा हिस्सा जो है वो इनमें बांटा जाएगा। खुमस के अकदार हैं एक, सदके की हुरमत में शरीक है दो, यानी कोई घटिया किस्म की चीज़ इनको न देना ये भी इनकी अफसरियत है। जो माल गनीमत आए, जो स्टेट की मिल्कियत समझी जाती है उसको माल फै भी कहना चाहिए, उसमें चूँकि ये शाही ख़ानदान के लोग हैं
रॉयल्टी के तौर पर इनको उसमें हिस्सा दिया जाए। ये दो चीज़ों में शरीक है। ये बात अच्छी तरह जहन में रख लो ताकि आइंदा बात को समझने में दिक्कत ना हो। मैं किसी वक्त ज़रूरत पड़ेगी मैं आपसे पूछूंगा। मैंने काफ़ी मेहनत की है तो उसके बाद ये नतीजे पर पहुँचा हूँ। खुमस में शरीक हैं एक, हुरमत सदका में शरीक हैं दो, और उसके बाद जो सरकार की आले बैत हैं वो अहले बैत विलादत हैं जो सरकार के बदन से पैदा हुए। तो असनो हुसैन खातून ने जन्नत ये आले बैत विलादत में से हैं। हजरत अली मुर्तजा जो हैं वो आले बैत नसब में से हैं, लेकिन सरकार ने उनको चादर में डाल के उनको अहले बैत विलादत में शामिल किया। समझो ये कितनी चीज़ों में शरीक हैं। उसके लिए पहली बात इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखी है कि एक तो मोहब्बत में रसूल के साथ बराबर के शरीक हैं। लफ्ज़ बराबर यसबून माऊ ये अल्फाज हैं तफसीर कबीर के। नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ मुसावी हैं। किस चीज़ में? मोहब्बत में। कुरान मजीद की आयत उन्होंने पेश की, हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला इबन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो उन्होंने हजूर से सवाल किया कि आपके पर आयत नाज़िल हुई है कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्ला अलमुअद्दद फिल कुरबा। सुभान अल्लाह। ऐ महबूब तुम कौम सो कह दो कि मैं तुमसे अपनी नबूवत और तबलीग का कोई अज़र नहीं मांगता, मगर ये मांगता हूँ कि मेरी आले बैत से प्यार किया करो। उस हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं मन कुराबतुका हाउला इल्लज़ीना वजबत अलैना मुअद्दतुहुम या रसूल अल्लाह। या रसूल इतना मुझे पता है मोहब्बत है, ये पता है कि वाजिब है, लेकिन ये नहीं पता वो अपने कौन से अकरबा हैं जिनकी मोहब्बत वाजिब है। कुरान ने कहा है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी, इससे सरकार की मोहब्बत का वजूब साबित हुआ है। और सूरह तौबा के अंदर आया हुआ है कि अगर ऐ महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग अल्लाह के रास्ते में जहाद करने और अपने खूबसूरत मकान जो अच्छी जगह हैं उनके पास होने और अपने सामान्य तिजारत को जो मंडी में पड़ा हुआ है अब उसके बिकने के चांसेस नहीं हैं, अगर अपने इन सब चीज़ों को मिला के तो इससे ज़्यादा अच्छा समझें तो ये मोमिन नहीं हो सकते। ये सरकार के मोहब्बत के वजूब की दलील है, तो ये आले बैत की मोहब्बत की वजूब की दलील है। ये आदमी को पूरा प्रास एंड कॉन्स मुआफिक और मुखालिफ दलाइल पता होने चाहिए। सरकार की मोहब्बत किस आयत से वाजिब है वो और है, अहले बैत की मोहब्बत किससे वाजिब है वो और है। तो इस लिहाज से ये दोनों वजूबे मोहब्बत में आले बैत और सैयद दो आलम अलैहिस्सलाम ये शरीक है। दूसरा किसमें शरीक है? दूसरा इसमें शरीक है सलाम में, कि सरकार के लिए सलाम है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये सरकार पर सलाम के वजूब की दलील है। अहले बैत पर वो सलामुन अला इलियासीन, इस पर एक करात है सहाबा किराम की, व सलामुन अला आले यासीन, हजूर की आल पर सलाम हो। मोहब्बत में शरीक होना एक, सलाम में शरीक होना दो, सलात में शरीक होना तीन। बुखारी के हदीस हज़रत काब बिन उजरा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, उन्होंने सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से ये बात पूछी नखनो नालमो कैफा नुसल्लिम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लम फालिमना कैफा नुसल्ली अलैक। बुखारी की रवायत है, या रसूल्ला
हमें ये पता है कि आप पर सलाम कैसे पढ़ना चाहिए। ये कहते हुए उनकी मुराद ये थी कि नमाज के अंदर कहते अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकात, आप पर सलाम हो ऐ अल्लाह के नबी। तो वो या के साथ पढ़ते हैं, मालूम हुआ कि या नबी सलाम अलैकुम के लिए ये भी दलील है। हमें ये पता है सलाम आप पर कैसे पढ़ना चाहिए। इसका मतलब पूरी उम्मत मुस्लिमा के जितने भी अफराद नमाज पढ़ते हैं सारे सहाबी हैं, पूछने वाले वही लोग हैं। सरकार ने फरमाया कि तुम ठीक समझे हो, या के सी के साथ अस्सलाम अलैका अय्युहन नबीयो, अय्युहन नबीयो में और या नबीयो में कोई कानूनी फर्क नहीं है, सिर्फ में अय्युहा में हा तंबीह ही आया काफ़ी तवज्जो को खींचने के लिए। लेकिन ये तो पता चल गया कि सहाबा ने सलाम में खिताब का सीगा कहाँ से इस्तेमाल किया है। उनके नज़दीक खिताब का सीगा यही था जो आज हम सुन्नी लोग पढ़ते या नबी सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका। तो सरकार ने फिर आप ये पूछना चाहते हो कि मुझ पर सलात कैसे पढ़ी जाए, तो मैं बताता हूँ अल्लाहु सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। इसका मतलब इन्नल्लाह व मलाइकतु युसल्लून अला नबी में जो कलिमात आए हैं वो अल्फाज जो हैं उनसे दो तरह के माना है, एक मंतूके कुरान एक मफहूमे कुरान। उसका मफहूमे कुरान माना नहीं बनता, उसका मंतूके कुरान यानी कुरान ने लफ्ज़ों में कहा है, क्योंकि सरकार का बयान उसकी बेहतरीन तफसीर है ना। महबूब किबरिया पर सलाम और आपकी आल पर सलाम, आपके आल पर सलात हो, सलाम भी हुआ सलात भी हुआ मोहब्बत भी हुआ और मत सदका भी जिसे सरकार के लिए ज़रूरी है। सरकार बुखारी शरीफ किताब ज़कात की आखिरी हदीस है, उसमें हुज़ूर फरमाते हैं नखनो आलो बैतिन ला तहिल्लु लना सदका, हम जो आले बैत हैं हमारे लिए सदका हलाल नहीं है, बल्कि इस पर लिखा है मुहक्किकीन ने इबन बत्ताल एक बुजुर्ग गुजरे हैं फतुल बारी जो लिखे इमाम इबन अस्कलानी की, ये बाद की फतुल बारी है, वो पहले की फतुल बारी है। उनका इस पर फुका का इजमा है जिनके लिए ज़कात हलाल है वो आले बैत में से नहीं है, इसलिए क्योंकि डिफरेंस है उसमें जो दो में तमीज़ करता है ना वो सदके की हिल्लत और हुरमत है। हजूर के अजवाज के लिए सब ने लिखा है कि हजूर के अजवाज मुतारात का पर सदका हलाल था। इस पर अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने भी लिखा, इब्ने बत्ताल ने भी लिखा का इस पर इजमाए फुकहा है। अगर उनके लिए सदका हलाल न होता तो फिर वो भी आले बैत में थी। इमाम तहावी ने किताब लिखी है शरा मुश्किल आसार, रात भी मैं उससे कुछ मैंने लिखा भी है। वो कहते हैं किस तरह कहते हो कि सारी अजवाज मुतहरात हुज़ूर के आले बैत में से हैं, जिसके कमरे में नाजिल हुई उसको सरकार ने चादर में दाखिल नहीं किया, तो जो उस कमरे के अंदर मौजूद थी उनको शामिल नहीं किया तो बाकियों को कौन शामिल करेगा। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है जैद बिन अरकम रदी अल्लाह तआला एक बड़े जलील कदर सहाबी हैं और ये उनमें से हैं जो हज़रत अदल करार को अफ़ज़ल समझते हैं। इसी से मसला साबित होगा, ये मसला इज्तिहादी है इजमाई नहीं है। इसको काजी अबू बकर बाकिल्लानी ने मनाकिब आइम्मा अरबा के अंदर बयान किया है कि ये शुरू से मसला इज्तिहादी चला आ रहा है। मसला इज्तिहादी ए उलमा की बोली का लफ्ज़ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जिस मसले में कुरान ने या हदीस ने या इजमा ने, ये तीन दलाइल हैं जो दलाइल कतिया हैं। कुरान दलील कतिया है और नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ुबान हदीस मुतवातिर वो दलील कतिया है। फिर इजमा नसी ताम वो इजमा सहाबा का
जिसमें एक भी साबी पीछे न रहा हो, सब ने बोल के कहा हो, इन तीन दलीलों के सिवा किसी चीज के जरिए से कतियत साबित नहीं हो सकती। आगे बात करते हैं, जिसके अंदर इन तीन दलीलों में कोई दलील मौजूद न हो वो मसला इश्तियादी होता है। उसके लिए आप अपने तौर पर हदीस तलाश करें, ये अपने तौर पर तलाश करें, मैं अपने तौर पर तलाश करूं, तो फिर अपनी अपनी दलील की रोशनी में अकीदा रखना दुरुस्त है। समझ आ गई बात, ये माना है मसला इश्तियादी होने का। तो ये अबू बकर बाकिलानी जो हैं ये दो वास्तों से उस्ताद हैं इमाम अल हरमैन के, इमाम अल हरमैन उस्ताद हैं इमाम गजाली के। तो ये सारे मौलवी तबका जो है वो इमाम गजाली को अपना इमाम मानता है। उन्होंने ये फैसला दिया है जिस बारे में कुरान से, हदीस मुतवातर से, इजमाए नसी ताम से किसी चीज का फैसला न हुआ हो वो मसला इश्तियादी होता है। उसमें आप कोशिश कर सकते हैं, अपनी कानूनी सलाहियतें इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसका क्या माल होना चाहिए। तो आपका अपना इत्तेहाद और कहेगा, इनका इत्तेहाद और कहेगा, मेरा और कहेगा, तो वो सब हक बजान तस्लीम होते हैं। समझे बात। तो आगे चल करके नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो आल है उनमें इतनी बातें तो साबित हो गई हैं, सलाम में बराबर के शरीक हैं, सलात में बराबर के शरीक हैं, मोहब्बत में बराबर के शरीक हैं, और हुरमत सदका में बराबर के शहीद हैं। और उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम का खसूसी स्टेटस ये है कि वो कोई सदका ना बराह रास्त ले सकते हैं न किसी के वास्ते से ले सकते हैं। एक उसमें तरीक़ाकार है कि किसी ने किसी को सदका दिया है, कानून शरा में वो उसका मालिक बन गया, वो सरकार को हिबा करे या अहले बैत को हिबा करे दे दोस्त है। अच्छा, तो इन चीज़ों में सरकार के साथ उनका बराबर का शरीक होना ये सिर्फ अहले बैत विलादत का हक है। अहले बैत विलादत से ना इसमें अहले बैत सबब शरीक हैं, ना अहले बैत नसब शरीक हैं, और ना इसमें अहले बैत खिदमत शरीक है। और इस जगह हज़रत शाह अब्दुल अक्सब रहमतुल्लाह फरमाया ये जितनी आले बैतों की अलग अलग किस्में हैं ना, इस वजह से इसको कहना चाहिए कि ये कुली मुशक्किक है, सारी आले बैत एक जैसी नहीं, जैसे सारे बंदे एक जैसे नहीं, सारे पीर एक जैसे नहीं, सारे वली एक जैसे नहीं, सारे इल्म आलिम ऐसे हैं। आलिम का लफ्ज़ बोलोगे मैं भी आलिम हूँ, ये कुली मुतवाती होती है तो फिर तेरा स्टेटस बराबर होता। ये कुली मुशक्किक है, एक आलिम और तरह का हो सकता है, दूसरा और तरह का हो सकता है। तो इसमें अल्लाह ताला ने ये जो आखिरी जिक्र किया है, दो नबी की आलों का जिक्र किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम। ये मसला खानदान अब्बासिया के कोर्ट में पेश हुआ, तफसीर नसफी के अंदर इसकी तफसील मौजूद है। इमाम मोहम्मद बाकर के खिलाफ केस किया गया, उन्होंने कहा तुम आले रसूल लिखते हो, हम औलादे रसूल लिखते हैं। आले रसूल सारी औलादे रसूल नहीं है, सारी औलादे रसूल आले रसूल है, समझते हो। जिससे सारे औलिया अल्लाह मुसलमान हैं लेकिन सारे मुसलमान औलिया अल्लाह नहीं है। सारे गौस कुतुब कलंदर ये मुसलमान हैं लेकिन सारे मुसलमान गौस कुतुब कलंदर नहीं है। इससे आले बैत में भी ये फर्क होगा, समझ आ गया। इसको कहते हैं उमूम खुसूस मुतलक, यानी जिस वक्त मुसलमान बोला जाए सारे वली उससे मुराद हो सकते हैं, लेकिन जब गौस कुतुब बोला जाए तो फिर सारे मुसलमान मुराद नहीं हो सकते। इससे आले मोहम्मद कहा जाए तो सारी आल शामिल हो सकती है, लेकिन जब आले बैत विलादत कहा जाए तो सब चीज़ों में जो शरीक है वो सिर्फ आले बैत विलादत है। आपने खड़े होकर उसमें जवाब दिया, उनका तुम कहते हो कि हम उनके औलाद नहीं, क्योंकि ये अब्बासी बड़े गुस्ताख थे, इन्होंने
तबकाते इब्न साद के अंदर बाकायदा वो लेटर मौजूद है जो ख़ानदान अब्बासिया के खलीफों के साथ खतो किताबत हुई है सैयद नफ्स ज़किया की। ये खलीफे कहते थे तुम काफिर की औलाद में से हो, ये जो आज का एक मुल्ला तबका जनाब अबू तालिब को काफिर काफिर कहता फिरता है ना, ये दरअसल उस वक्त की साजिश थी। लोग कहते थे ये आले रसूल है, इनकी मौजूदगी में अब्बासिया को कोई हक नहीं पहुँचता था खलीफा बनने का। वो फिर इसलिए अपने आप को सुपीरियर ज़ाहिर करते थे, कहते हम जनाब अब्बास के औलाद में से वो मुसलमान थे, तुम जनाब अबू तालिब के औलाद में से तो वो काफिर थे। आपने उसके सामने इस्तदलाल किया, उनका ये जो सूरह हदीद में आता है कि हमने उन दोनों की औलाद में नबूवत रखी, तो उस नबूवत की फहरिस्त में ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि ना किया, का ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद किस तरह हुए, कई सौ पुश्त से भी ज़्यादा रिश्ते आयल हैं, लेकिन इनकी माँ जो थी ये उनके औलाद में से थी, तो जिसकी माँ किसी के औलाद में हो उसके औलाद कहलाती है। तो जनाब मरियम जो हैं उनके वास्ते से अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद ठहरते हैं तो मैं खातून जन्नत के वास्ते से नबी करीम अलैहिस्सलाम की औलाद क्यों नहीं ठहरता। इस पर ख़ानदान अब्बासिया का हुक्मरान रह गया। अब एक और दलील सुन ले, अगर सरकार दो अलैहिस्सलाम को बीवी करने की ज़रूरत हो, शादी करने की ज़रूरत हो, तेरी भी बेटी हो मेरी भी बेटी हो, दोनों जवान हों मैरिजेबल हों, सरकार रिश्ता मांगने के लिए तेरे घर आएंगे या मेरे घर आएंगे? उन्होंने कहा मेरे घर आएंगे। उन्होंने कहा क्यों? इसलिए कि किसी से रिश्ता करने के लिए ये ज़रूरी है ना वो असल हो ना फरा हो। मैं हुज़ूर की औलाद में से हूँ इसलिए मेरे पास रिश्ता मांगने नहीं आएंगे। बेटे की बेटी जो है वो निकाह में नहीं आ सकती, तेरे घर में आएंगे, लेकिन तू लगता कुछ नहीं है। इस पर आकर रह गए। एक दलील और सुन ले, नसाराए नजरान से बातचीत हुई, मुनाजरे में हार गए, उनका तुमने अपने शौकते गुफ्तार से हमें जीत लिया है, जोरे बयान से जीत लिया है, वगरना है हम आग पर। आप बयान के दरवाजे को ताला लगा देते, तालो नदो अबना अना व अबना अकुम व निसा अना व निसा अकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानत अल्लाह अला अलकाज़िबीन। तो आओ हम मुबाला करते हैं, मुबाला करने के एक माना झूठे को लानत करना, जो झूठा हो उधर खुदा की फटकार हो। जिस ये बात तय हो गई उस सरकार किस किस को लाए थे, हज़रत अदर करार को लाए थे, किस सीगे में अनफुसना व अनफुसकुम नफ्स नबी कह के उनको साथ लाए, निसाना व निसाकुम तुम अपनी खातून लाओ हम अपनी खातून लाएं, खातूनों में किस को लाए, सिर्फ हज़रत आपकी बेटी को, नहीं तो हज़ूर की बेटियों की औलाद थी उस वक्त जिसे असल हुसैन खातून जन्नत की औलाद थे, वो भी औलादें थी तो दामाद भी जिंदा थे, लेकिन उनमें से किसी को नहीं बुलाया। अपने अबना अना व अबना अकुम अपने बेटों को हम भी बुलाते हैं, अपने बेटों को तुम भी बुलाओ। अपने बेटा कह के बुलाया किसको था? असल हुसैन को था। अगर हमारे बाप जो हैं वो सरकार के बेटे थे तो हम दो मरतबा बेटे उनके। इस पर ये दलील है इस बात की कि ईसा अलैहिस्सलाम जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद में से हैं अपनी माई साहबा के वास्ते से, तो फिर हज़रत सैयदा खातून जन्नत के वास्ते से क़यामत तक आने वाली औलाद रसूल जो है ये औलाद रसूल है। यार टाइम घंटे से ज़्यादा हो गया है, आगे एक बड़ा कीमती मसला आ रहा है, रूबानियत तर्क दुनिया, जिसकी जिसको अंग्रेज़ी में एसेटिज़म कहते हैं, एसेटिज़म तर्क दुनिया, उसको
एक और लुगत में सैलीबेसी भी कहते हैं, इसकी पठवारी पंजाबी थानी मीरपुरी बिच अड़े फलाना जती सती फकीर है, यानी दीनी और रूहानी वजूहात के पेशे नज़र कोई शादी ना करे तो दुनिया से बेताल्लुकी की बड़ी अलामत है। वो आगे बहस आ रही है लेकिन वो काफ़ी लंबी है, तो घंटे से ज़्यादा तो पहले मैं बोल चुका हूँ, थक गया हूँ। वो उस पर गुफ्तगु होने वाली थी कि उसमें जवाज किया था, क्या वो बिदत का लफ्ज इस्तेमाल किया है। रब ने कहा उसको बिदत करके शुरू किया लेकिन सही माने में उसको अदा नहीं किया। इसका मतलब यह है कि किसी बिदत से खुदा को नफरत नहीं, खुदा की रजा के लिए अगर कोई नया काम अच्छा समझ के शुरू करे तो वो अच्छा ही होता है, लेकिन जो शुरू करे उसको निभाए भी इंशाल्लाह। उसका खुलासा मैंने अर्ज कर दिया।